अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रवात इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं फाद रमान। आज की वीडियो में मैं दोस्तों जनरेटर का जो मैनुअल चेंज ओवर लगाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो चेंज ओवर यूज़ किया जाता है हैंडल वाला चेंज ओवर, उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप वापडा और जनरेटर के कनेक्शन उस चेंज ओवर के साथ कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं डायग्राम बना के भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। तो ये एनर्जी मीटर जो हम घरों में यूज़ करते हैं और ये हैंडल वाला चेंज ओवर है जो हम चेंजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ये आपको सामने चेंज ओवर नज़र आ रहा होगा, ये टू पोल चेंज ओवर है, सिंगल फेज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये 32 एम्पेयर का चेंज ओवर है। इसका ये होता है कि ये जो दो पॉइंट हैं ये आपस में मिले हुए होते हैं, ये कॉपर के पॉइंट होते हैं इस तरीके से। और ये जो चार पॉइंट हैं, आगे मैं डायग्राम में भी आपको बताऊँगा, ये चार पॉइंट जो हैं वो इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये जो चार हैं ये आउट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये दूसरे नंबर वाला और ये आखिरी नंबर वाला, ये आपस में इस तरीके से मिले हुए होने चाहिए एक तार का लूप डाल के, चूँकि यहाँ से हम जो है वो लोड यूज़ करते हैं। लोड क्योंकि हर टाइम ऑन होना चाहिए, चाहे जनरेटर हो या वापडा हो, इस पे हम फेज़ लगाएंगे और इस पे हम न्यूट्रल लगाएंगे। तो ये जो कनेक्शन है, अगर हम इस चेंज ओवर को इस साइड पे करते हैं तो वापडा जो है यहाँ से इन होगी, यहाँ से आउट होके लोड की तरफ चली जाएगी। तो इसी तरीके से ये फेज़ वाला पोर्शन है और ये न्यूट्रल वाला है, यहाँ से भी न्यूट्रल इन होगी और इस तरीके से यहाँ से आउट होके इधर से आगे शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो है दूसरी जो साइड है इस तरीके की, ये जनरेटर वाली साइड है। तो जनरेटर के लिए यहाँ से ये लोड तो ऑलरेडी हमारा पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर हम इन करेंगे जनरेटर की फेज़ और यहाँ से जो है वो इन करेंगे जनरेटर की न्यूट्रल। तो इसी तरीके से यहाँ से ये जो कनेक्शन है ये दोनों मिले हुए हैं आपस में ये पतरी। तो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से आगे लोड की तरफ जनरेटर भी शिफ्ट हो जाएगा, ये साइड इसकी जनरेटर हो जाएगी और ये वाली साइड वापडा हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट का आपने ख्याल रखना है कि ये लाजमी आपस में इस तरीके से मिले होने चाहिए, क्योंकि जो लोड है वो हर टाइम जो है चाहे जनरेटर हो या वापडा हो उसके लिए आगे लोड ऑन होना चाहिए, उसके लिए ये हमें लूप देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सेंटर पर यह चेंज ओवर ऑफ हो जाता है, एक साइड पर वापडा और दूसरी साइड पे जनरेटर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मैं मज़ीद इसकी वायरिंग डायग्राम आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो इसकी अब मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये हमारे सामने जनरेटर, चेंज ओवर, एनर्जी मीटर और दो सर्किट ब्रेकर नज़र आ रहे होंगे आपको। ये जो सर्किट ब्रेकर है ये मेन जो हमारे घर में सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है जिस पे एनर्जी मीटर की वायर आ रही होती हैं। यहाँ से एक जो फेज़ है वो आउट करके चेंज ओवर के इस पहले पॉइंट पर लगा देंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से हम तीसरे नंबर पे जो है वो न्यूट्रल लगाएंगे चेंज ओवर के। इस तरीके से न्यूट्रल जो है वो मेन ब्रेकर पे लगी हुई होती है, यहाँ से न्यूट्रल आउट करके इस तरीके से ये चेंज ओवर के जो तीसरा पॉइंट है वहाँ पे हम इसको लगा देंगे इस तरीके से, ये इस जगह पे लग जाएगी। बाकी जो दो पॉइंट बचे हुए हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो लूप किए हुए होते हैं आपस में, क्योंकि वहाँ पे लोड लगता है। और ये जो ब्रेकर है ये हमने जनरेटर के लिए लगाया हुआ है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी चेंज ओवर के साथ लगा सकते हैं वायर को। ये जो फेज़ है ये जनरेटर का आ रहा है सर्किट ब्रेकर में और सर्किट ब्रेकर से आउट हो के चेंज ओवर के एक नंबर पॉइंट पे लगेगा इस तरीके से, ये सामने लग जाएगा इस जगह पर जहाँ पर वापडा लगी है उसके सामने। ये दोनों आपस में मिले हुए नहीं होते, जब चेंज ओवर सेंटर में करते हैं तो ये ओपन पॉइंट हो जाते हैं इस तरीके से। ये न्यूट्रल भी जो है वो जाके तीसरे पॉइंट पे लगेगी। प्रैक्टिकली भी मैंने चेंज ओवर आपको दिखाया कि किस तरीके का होता है और ये दोनों पॉइंट जो आमने सामने लग रहे हैं जनरेटर और वापडा के किस तरीके से ये जो है वो ओपन होते हैं। तो ये न्यूट्रल जो है ये इस तरीके से ये तीसरे पॉइंट को लग जाएगी। तो बाकी जो दो पॉइंट बचे हैं वो आउट हो के वो लोड के साथ लग जाएंगे घर के जो लोड लगाया जाता है उसके ब्रेकर पे। इस तरीके से न्यूट्रल जो है वो ऊपर से लूप हुई हुई है और यहाँ पे आके घर में हम इसको लगा देंगे लोड पे यानी के। और ये जो फेज़ है ये आउट हो के इस तरीके से ये घर के लोड पे लग जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।